चुनाव की कमान ली है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में भी जनसभा करेंगे सीएम। यूपी के मंत्रियों को अलग अलग सीट की जिम्मेदारी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण मैनपुरी जाएंगे। प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह मैनपुरी जाएंगे। कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप खतौली में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। वहीं जबकि दिनेश खटेक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। बलदेव औलक, जतिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी दी है। सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की जिम्मेदारी मिली है। अभी आप वो तस्वीर देख रहे थे जिसमें सुरेश खन्ना नजर आ रहे थे नामांकन के दौरान। आकाश सक्सेना जब नामांकन करने के लिए पहुंचे और उस दौरान की तस्वीर आपने देखी, मुख्तार अब्बास नकवी और सुरेश खन्ना दोनों ही वहां पर नजर आए। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 8 को काउंटिंग होगी और मैनपुरी में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी, ये 8 तारीख को साफ हो जाएगा। इस बीच बीजेपी का जो प्लान की अगर बात की जाए, सीएम योगी ने अब उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। उपचुनाव को लेकर ट्रिपल लेयर प्लान जो है देखने को मिल रहा है बीजेपी का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हुए उपचुनाव की। और यार रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।